100 ग्राम तक दलिया, 50 ग्राम तक बादाम और 100 मिलीग्राम तक लेना है आपने मिल्क। हल्का सा आप वेजिटेबल ऑयल यूज कीजिए, आपके पास देसी घी है तो आप देसी घी ऐड कर लीजिए। और पहले हम अपना दलिया ऐड करेंगे, इसको थोड़ा सा हीट करना है आपको। गाइस इसको हीट करना जरूरी है, थोड़ा सा इसको आप ऑयल या देसी घी में थोड़ा सा हीट कर लीजिए। गाइस 2 मिनट तक आप इसको हीट करने के बाद जब इसका कलर थोड़ा ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे अभी अपने मिल्क। तो ये रेगुलर मिल्क है, अब इसमें हम लोग एक स्पून तक शक्कर ऐड करेंगे। अगर आपके पास गुड़ है तो आप गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, आपने इसको 5 से 6 मिनट तक बॉईल करना है ताकि जो दलिया है अच्छी तरह से मेल्ट हो सके, गल सके वो पूरी तरह से। तो अब लास्ट में हम ऐड करेंगे अपने बादाम। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा दलिया रेडी हो चुका है 5 से 6 मिनट कुक करने के बाद। तो बेटर्स ये थी हमारी पावरफुल और हेल्दी रेसिपी जिससे आप अपना वेट गेन कर सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप 5 से 6 मिनट के अंदर इसको बना सकते हैं। इस रेसिपी में मैंने यूज किया था दलिया जो व्हीट का बना हुआ है और इसके अंदर मैंने बादाम ऐड किए थे। अगर आपके पास बादाम का ऑप्शन नहीं है तो आप वहां पे चने ऐड कर सकते हैं। आप चने को रात को भिगो के या उसको बॉईल करके फिर इसको ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर मैंने यूज किया था मिल्क, रेगुलर मिल्क। और इसके अंदर जो दलिया यूज किया है मैंने 100 ग्राम तक यूज किया है। और इसके अंदर जो बादाम यूज किया है वो है 100 से 50 ग्राम तक, आप 100 ग्राम तक ले लीजिए। और मिल्क कीजिए आप 100 मिलीग्राम तक जब 50 मिलीग्राम तक, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो गाइस ये तीनों चीजों से हमने ये रेसिपी बनाई है, बहुत ही इजी रेसिपी है। पहले मैं इसका आपको न्यूट्रिशन बता सकता हूँ, इस टोटल मील्स का जो न्यूट्रिशन वो आपसे पास शेयर करता हूँ मैं। तो इसके अंदर जो टोटल कैलोरी है गाइस 872 तक है। कार्ब्स है इसके अंदर 48 ग्राम तक, प्रोटीन है इसके अंदर 33 ग्राम तक और इसके अंदर फैट है 60 ग्राम तक। तो 60 ग्राम तक जो फैट है गाइस वो हमें बादाम से मिली है जो नेचुरल है। इस फैट से कोई हमें मतलब नुकसान नहीं है। अगर आप अपनी पूरी बॉडी का वेट गेन करना चाहते हैं, मसल के साथ साथ अपनी पूरी बॉडी का वेट गेन करना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप जरूर इसको ट्राई कीजिए। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है जो हेल्दी फैट है। तो गाइज अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप इसको जरूर अपनी डाइट में ऐड कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। इस रेसिपी से भी इजी है, आप बहुत ही 5 से 6 मिनट के अंदर इसको बना सकते हैं। बहुत ही ज्यादा स्किनी है गाइज आप, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये, तो आप जरूर ट्राई कीजिए। और गाइज होप आप लोगों को ये भी रेसिपी उतनी अच्छी लगी होगी जितनी पहली रेसिपी आपको अच्छी लगी है। और जाते जाते आपने क्या करना है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और किसी रेसिपी के साथ जल्दी से जल्दी मिल सके।